अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशन में परिवहन विभाग रीवा द्वारा नए बस स्टैंड समान थाना के सामने नेत्र जांच शिविर एवं प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें नेत्र जांच के अलावा बस चालक परिचालक को प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान यह समझाया गया कि बस चालकों को समय से नींद लेनी चाहिए एवं गाड़ी जगह ना हो तो वहां पर ओवरटेक ना करें, गाड़ी ज़्यादा स्पीड में ना चलाएं, हॉर्न का प्रयोग करें, साफ सुथरी वर्दी पहने और सबसे ज़्यादा एवं महत्वपूर्ण बात, नशा करके गाड़ी बिल्कुल भी ना चलाएं। प्रशिक्षण कार्यशाला में आरटीओ रीवा मनीष त्रिपाठी के साथ मिलकर सामाजिक कार्यकर्ता महेंद्र शुक्ला के द्वारा यह बातें बताई गई। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि चालक परिचालक एवं हर व्यक्ति के लिए आंखें कितनी महत्वपूर्ण हैं। आंखों के बिना हम दुनिया को नहीं देख सकते। आंखें हमारे जीवन का बहुत ही बड़ा सहारा है। आंखों की नियमित तौर पर जांच करानी चाहिए, जिससे आपकी आंखें सदैव अच्छी रहें। नेत्र जांच परीक्षण शिविर में नेत्र प्रशिक्षण का कार्य डॉक्टर एनके पांडे, सजयम शुक्ला, एमपी शुक्ला के द्वारा किया गया। नेत्र जांच परीक्षण शिविर में बस के चालक परिचालक एवं क्लीनर मौजूद रहे। इसके साथ ही बस स्टैंड पर आए हुए यात्रियों का भी नेत्र परीक्षण किया गया। कई महिलाएं भी शामिल रहीं। नेत्र जांच परीक्षण शिविर एवं प्रशिक्षण कार्यशाला में बस एसोसिएशन से प्रमोद सिंह, रचना ट्रेवल्स, दिलीप शर्मा, बब्बू दर्शन सिंह, राधा बल्लभ ट्रेवल्स के एल सिंह, ललित तिवारी एवं परिवहन विभाग से रीवा आरटीओ त्रिपाठी, परिवहन सुरक्षा स्क्वाड प्रभारी अजय मार्को, हनुमाना चेक पोस्ट प्रभारी आरबी सिंह, सहायक परिवहन उपनिरीक्षक श्रीमान सिंह, अन्नू खरे, सुखीनंद प्रधान आरक्षक, उपेंद्र सिंह, अखिलेश सिंह आरक्षक, नरेंद्र सिंह आरक्षक, संदीप सिंह आदि लोग शामिल रहे। सब लोग अपने अपने आँख की जांच कराएं और वहाँ से पर्ची बनवा लें। इनका पंडित जी के बन गया पर्ची, इनके दिखवा दी उन्हें डॉक्टर साहब के। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए, रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।